क्वेश्चन नंबर 26, इवेलुएट इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 3 डी एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 3। तो इसमें हम सबसे पहले इसके जो डिनोमिनेटर में ये एक्स है, इसको हम चाहते हैं एक्स टू द पावर 5 करने, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एक्स टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स टू द पावर 4, सो वी गेट इंटीग्रेशन, ये होगा एक्स टू द पावर 4 बाय एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 3 डी एक्स। और इसमें अगर हम एक्स टू द पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 होगा, तो बाय सब्स्टिट्यूशन के पुटिंग एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू टी, नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये होगा 5 एक्स टू द पावर 4 dx इक्वल टू 1 dt। यहाँ पे हम एक 5 ले लेते हैं तो बैलेंस हो जाएगा, इसका बैलेंस 1/5। सो देयरफॉर आई इक्वल टू 1/5 इंटू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 की जगह t होगा और 5 एक्स टू द पावर 4 dx की जगह dt। और फिर इसमें हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे, तो उसके लिए इसको लेट लेंगे, लेट 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू, इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 3। और फिर इनका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, तो इसका न्यूमरेटर होगा ए अपॉन टी प्लस 3 प्लस बी इंटू टी। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, और बोथ साइड के डिनोमिनेटर को हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। नाउ टेकिंग, पहले हम इसकी वैल्यू 0 लेंगे और फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, सो वी गेट, तो ये होगा 1 इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस 3, तो इससे ए की वैल्यू फाइंड हो गई 1/3। और अब हम बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन टेकिंग टी प्लस 3 इक्वल टू 0, सो टी इक्वल टू -3, और इस -3 को पुट करेंगे इसको भी फर्स्ट इक्वेशन में, सो वी गेट ये होगा 1 इक्वल टू b इंटू -3, तो b की वैल्यू फाइंड हो गया -1/3। और अब हम a और b की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, सो देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/5 इंटू इंटीग्रेशन, ए की वैल्यू फाइंड हुआ था 1/3, तो ये होगा 1/3 अपॉन टी प्लस -1/3 अपॉन टी प्लस 3 डीटी इक्वल टू 1/5, और ये होगा 1/3 इंटू इंटीग्रेशन 1/2
टी डी टी माइनस वन बाय थ्री इंटीग्रेशन वन बाय टी प्लस थ्री डी टी, और इसमें हम वन बाय थ्री को कॉमन ले लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड टी, और इसका लॉग मोड टी प्लस थ्री वन बाय फिफ्टीन, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यह होगा लॉग टी बाय टी प्लस थ्री, और अब हम इसमें टी की वैल्यू को पुट कर देंगे। टी हमने लेट लिया था एक्स टू द पावर फाइव को, आंसर